पंचकुला में बड़ा हादसा आया पेश। स्कूली बच्चों से भरी बस गिरी खाई में। हादसे में स्कूल स्टाफ के अलावा 10 से 15 बच्चे घायल। मौके पर पहुंची पुलिस। खबर है हरियाणा के पंचकुला से, जहां शनिवार दोपहर को बच्चों से भरी स्कूल बस पलटकर खाई में गिर गई। आपको बता दें, इस हादसे में स्कूल स्टाफ के अलावा 10 से 15 बच्चे घायल हो गए। सभी बच्चों को इलाज के लिए मोरनी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने गंभीर रूप से घायल बच्चों को पंचकुला के सेक्टर 6 स्थित अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हादसा कैसे हुआ। हालांकि शुरुआती जांच के मुताबिक पता चला है कि पंजाब में मलेरकोटला के ननकाना साहिब स्कूल के बच्चों को स्टाफ के सदस्य घुमाने के लिए पंचकुला में मोरनी हिल्स लेकर जा रहे थे। टिक्करताल रोड पर थल गांव के पास बस अचानक पलट गई। घटना के बाद बच्चों की चीख पुकार शुरू हो गई। आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और बच्चों को तुरंत बस से बाहर निकाला गया। मौके पर पुलिस की टीमें भी पहुंच गई। एम्बुलेंस बुलाकर घायल बच्चों और अन्य स्टाफ को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। पुलिस की टीमें जांच कर रही हैं। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।